हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज क्वालिफाइड। क्या हाल चाल, कैसे से भी आज के तो सब बढ़िया होंगे। आ चुके और एक न्यू वीडियो के साथ। क्या आपको स्टार्टिंग में क्वालिफाई का वॉइस सुनने को मिला? अगर आपको भी सुनने को मिला ना तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज मेरे को भी ऐसे लगा कि क्वालिफाई यहाँ पे बात कर रहा है। सो जो भी हो, इस बार मैं खेलने वाला हूँ क्वालिफाई की आईडी से, जिसमें ना ब्लड रेवन 3 लेवल मैक्स है और इस पर ग्लेशियर भी है। तो भाई मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को ग्लेशियर का किल फिट दिखाया जाए, क्योंकि भाई का भी चैनल डिलीट हो चुका है और भाई थोड़ा गेम से क्वाइट कर चुका है। तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना ग्लेशियर की किल फिट के साथ गेम प्ले दिखाया जाए। फिलहाल के लिए पे उतरा था पोचिंग की में और आगे की तरफ एक बंदा उतरा था। और अरे भाई, इसके अकाउंट पे तो बैरल भी अपग्रेडेबल है। चलो गेम प्ले में आगे बढ़ के हम लोगों को पता चल जाएगा कि इस अकाउंट पे कितने सारे अपग्रेडेबल गन है और क्या क्या सिचुएशन पे सारे के सारे गन पड़ा हुआ है। अभी के लिए बंदे का फायर की आवाज़ तो चारों तरफ से आ रहा था, लेकिन मैं डिसाइड कर दो सेंटर की तरफ रश करने की, बिकॉज यहाँ पे रश करने में मेरे को थोड़ा बहुत ईजी हो रहा था। फिलहाल सामने की तरफ बंदा था। मेरे को पता नहीं था कि एग्जैक्ट घर के ऊपर कितने बंदे हैं, बट यहाँ पे मैं मॉली करती एक बंदा मर के फिनिश हो जाता है। फिलहाल सामने की तरफ था एक बंदा, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना एक बंदे के साथ सीधा फाइट लिया जाए। जब तक मैं बंदे के ऊपर रश करता तब तक बंदा रोटेट करके मेरे ऊपर रश करने की कोशिश कर रहा था, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे बंदे को मैं जैसे तैसे फिनिश कर देता हूँ। अभी के लिए सामने की घर से फुटस्टेप आ रहा था, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई सामने वाले बंदे के ऊपर रश कर दिया जाए, बिकॉज मैंने अगर टाइम लिया तो भाई गेम प्ले में कम किल मिलेगा। और जब मैं आगे की तरफ रश करने आता हूँ, यहाँ पर मेरे को कोई भी बंदा नहीं दिखता है, बट सामने वाले जो 3 स्टोरी है उसके छत से मेरे को फुटस्टेप आ रहा था। एंड मेरे को ये बात पता लग चुका था कि 3 स्टोरी पे जो बंदा है वो इसी घर का बंदा, मे भी फॉल बैक करके पीछे मेरे को मारने के लिए होल्ड कर रहा होगा। तभी मैं आगे की तरफ रश करने जाता हूँ। पर यहाँ पर भी मेरे को बंदा नहीं दिखता है, बट फिलहाल के लिए बंदा मेरे सामने था। यहाँ से कहीं ना कहीं बंदे के ऊपर प्रॉपर तरीके से एंगल बनाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बिकॉज सामने वाला जो 3 स्टोरी है वहाँ पे बंदा था। तो दैट्स वाई अगर मैं यहाँ से पीक लिया तो बंदा मेरे को इजीली मार सकता है। फिलहाल के लिए एक ग्रेनेड करता हूँ और तभी बंदा यहाँ से निकलता है। देखो मैं इस तरफ फाइट ले रहा था, तभी पीछे की तरफ से कुछ बंदे मेरे पर थर्ड पार्टी करने के लिए कोशिश कर रहा था, बट मैं बंदे लोगों को इजी स्पॉट कर लेता हूँ। बट अभी मेरे को बंदे लोगों के ऊपर रश करने के लिए चाहिए था एक एग्जैक्ट टाइम, जिस टाइम पे मैं बंदे लोगों के ऊपर इजी रश कर सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पे एक बंदा क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, तभी मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। और फिलहाल के लिए इस बंदे का टीममेट मेरे इस घर के नीचे था, तो मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, बिकॉज बंदे को तो उसके टीममेट को रिवाइव करने के लिए जाना ही ना। बट यहाँ पे मेरा ये सोच पूरा का पूरा गलत निकलता है, बिकॉज यहाँ पे एक बंदा नहीं था, दो बंदा नहीं था, यहाँ पे पूरे के पूरे 3 बंदे थे। और आगे की तरफ 3 बंदे थे, ये बात मेरे को अभी पता चलता है। फिलहाल के लिए 2 बंदा तो नॉक था और जिंदा था सिर्फ एक ही बंदा, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ। तो बंदे ने ना यहाँ पे अपना दिमाग थोड़ा यूज़ किया, यहाँ पे एक बंदा ग्रेनेड कर देता है, बट यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा था कि ग्रेनेड फटने में भी 7 सेकंड अभी टाइम लगता है, मे भी टाइम को इंक्रीज़ किया गया है। जो भी हो, उसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं मैं बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ, बिकॉज बंदे लोग अगर रिवाइव हो गए ना, एक भी बंदा रिवाइव हो गया तो वो मेरे को बंदे लोगों को कवर देगा रिवाइव करने के लिए, और ईजिली वो सारे के सारे बंदे रिवाइव हो जाएंगे, और ये मौका मैं इन बंदों को देना नहीं चाहता था। फिलहाल यहाँ पे सारे के सारे बंदे खत्म हो जाते हैं और अभी के लिए इस घर के ऊपर एक बंदा था।
बंदा तो यहाँ पे पूरी तरीके से कैंप कर चुका था। इतने में मैं सोचता हूँ क्यों ना एक ग्रेनेड ट्राई की जाए जिससे बंदे को मे भी थोड़ा बहुत डैमेज भी मिले। और ग्रेनेड फेंकने के लिए मैं आगे की तरफ जाने वाला था, इतने में बंदे का मौली का साउंड आता है और तभी मैं ग्रेनेड को कैंसिल करके आगे की तरफ जाता हूँ और आगे जाते ही मेरे को फोकेट का डैमेज मिल जाता है। फिलहाल के लिए जैसे तैसे घर के ऊपर तो आ जाता हूँ, बट मेरे को यहाँ पे बंदे का एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं था। इतने में राइट साइड से बंदे का फुस्टेप आता है और तभी मैं रश करने जाता हूँ, बिकॉज बंदा तो कैंपर था ना, बंदा कैसे रश करेगा। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी बंदा नहीं है। रैंक पुशिंग लॉबी होने के कारण बंदे लोग अपना पोजीशन बार बार चेंज कर रहे थे और इसी की वजह से मैं पूरा का पूरा कंफ्यूज हो रहा था। फिलहाल सामने की तरफ मेरे को बंदे का पोजीशन पता लग चुका था। और इस बंदे को ना मैं जैसे जैसे फिनिश तो कर देता हूँ, बट आगे की तरफ से अभी भी फायर की आवाज़ आ रहा था, तो यहाँ पे मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता यहाँ पे मेरा किल कम हो जाए और आप लोग को बिना किल मतलब सस्ती किल वाला गेम प्ले मिले। वाकी फाइट की एक्सप्लेनेशन करूँ तो मेरे को अच्छी तरीके से पता था कि घर के ऊपर बंदा है, बट मेरे को ये बात पता नहीं था कि पोचिंकी के चर्च में जितने भी बंदे थे वो खत्म हो चुके हैं। अगर मेरे को वो बात पता होता तो अपना मैं पोजीशन बिल्कुल चेंज कर लेता। जो भी हो, फिलहाल के लिए मेरे को रिकॉल तो मिल चुका था, तो दैट्स व्हाई मिलिट्री बेस जोन के साइड था और यहाँ पे मैं उतर के इस टेंपल पे लूट करने के लिए आता हूँ। और तभी यहाँ पे और एक बंदा रिकॉल होकर देखो मेरे जैसे स्ट्रैटेजी यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, आई मीन यहाँ पे लूट करने के लिए आता है। एक तरीके से हम लोग कह भी सकते कि बंदे का यहाँ पे बैड लक था, बंदा रिकॉल होकर सीधा मेरे ही सामने आके उतरता है और बंदे को मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट वगैरह करके यहाँ से मैं गाड़ी लेकर निकलने ही वाला था, तभी पीछे की तरफ से फायर आता है, तो मैं सीधा अपने गाड़ी को घुमा लेता हूँ और आके यहाँ पे टेम्पल पे फिर से रोकता हूँ। और देखो बंदे का बेवकूफ़ी देखो आप, और हाँ इस वाले बंदे ने मेरे को बहुत ही अच्छा खासा हेल्प किया क्योंकि उस बंदे से ना मेरे को प्रॉपर लूट मिल जाता है जिससे मैं बंदे लोगों के साथ इजीली फाइट ले सकता था। फिलहाल के लिए या मैं बहुत दिन बाद ब्रिज कैंप करने के लिए आता हूँ, बिकॉज मतलब लाखों दिन हो गए मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी ब्रिज कैंप नहीं किया। फिलहाल या मैं आगे की तरफ बढ़ ही जाता तभी सामने की तरफ से एक बग्गी का साउंड आता है। एक बंदे को तो मैं इजीली गाड़ी से उतार देता हूँ, बट फिलहाल के लिए ना अभी सामने जो बग्गी वाला बंदा था वो आगे की तरफ जाकर रुकने वाला है, ये मेरे को लग रहा था, बट आगे जाके ये बात मेरा सच भी हो जाता है। और जब तक मैं बग्गी वाले बंदे के साथ फाइट लेता तब तक पीछे की तरफ से और एक गाड़ी आ जाता है। फिलहाल एक बंदे को तो मैंने इजीली नॉक कर दिया है। फिलहाल आगे की तरफ आते ही ना मेरे ऊपर गंदे तरीके से शॉट्स आते हैं और अभी मेरे को बंदे का एग्जैक्ट पोजीशन बिल्कुल भी पता नहीं है, बिकॉज बंदे को मैंने जहाँ पे नॉक किया था बंदा ऑलरेडी वहाँ से अपना पोजीशन चेंज कर चुका है। फिलहाल थोड़ा बहुत हीलिंग वगैरह करके बंदे की तरफ रश करता हूँ।
यहाँ पर जैसे तैसे इन दो बंदों को फिनिश करता हूँ। और इस वाले स्क्वाड का मे भी एक बंदा अभी तक जिंदा था जो बग्गी लेके यहाँ पे आसपास घूम रहा था। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट वगैरह करके यहाँ से मैं निकल जाता हूँ आगे की तरफ। यहाँ पे तो पहले मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है जिसको मैं नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। इतने मेरा पीछे की तरफ से और एक बंदा मेरे ऊपर जंप शॉट दे देता है और लिटरली यहाँ पे जिंदा रहना तो इम्पॉसिबल था। जैसे 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 मैं फाइट से निकल जाता हूँ बिकॉज यहाँ पर मेरा एचपी बहुत ही ज़्यादा लो था और वो एरिया बिल्कुल ही ओपन एरिया में था। वहाँ पर मैं हील करने गया तो बंदा मेरे को ईजिली कहीं से भी मार सकता है, तो दैट्स वाई यहाँ पर मैं घर की तरफ आता हूँ और यहाँ पर हीलिंग वगैरह करके फिर से आग की तरफ जाता हूँ। आगे की तरफ ना फाइट हो रहा था और आगे आती मेरे को ये वाला बंदा दिख जाता है जिसको मैं नॉक करके इजीली फिनिश कर देता हूँ। बट एक सवाल ना आप लोगों से मेरा है, आपको कौन सा एक्सूट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? गोल्डन थैरो, ब्लड रेवन और बाकी जितने भी एक्सूट है, आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और कौन सा आपका फेवरेट है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए जोन में बच रहा था सिर्फ और दो बंदा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब दो जो बंदे सामने वाले वो एक ही स्क्वाड है, बट इतने भी उन लोगों में फाइट होती है, मेरे को पूरा का पूरा सीन क्लियर हो चुका था कि सामने सिर्फ एक ही बंदा जिंदा है। अगर मैं बंदे के ऊपर पहले ही रश कर देता तो मैं भी ये फाइट में विन भी कर सकता था, बट यहाँ पे मरने की वजह यही है कि इस पेड़ में ना कुछ मतलब थोड़ा वो वाला सीन था, मतलब क्या कहते हैं उसे, थोड़ा टूटा हुआ था, मतलब गड्ढा वाला सीन था, तो दैट्स व्हाई वहाँ पे मैं अटक गया और आगे की तरफ मैं कवर पर नहीं आ पाया। जो भी हो, आपको ये गेम प्ले कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कॉमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि आपको कौन सा एक्सूट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास दो एक्सूट वाला आइडिया, एक गोल्डन फैरो और एक ब्लड ड्रैगन जो कि क्वालिफाई का आइडिया है। तो यार मतलब जो भी आपको पसंद आएगा उसी एक शूट के साथ आपको मैं गेम प्ले दिखाऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव योर गो कैरमी।